इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। देखो व्हाट इज ये थर्मल जो एक्सपेंशन होता है, ये होता क्या है? देखो ये एक कंटेनर है, इसमें हमने हीट दे दिया, ठीक है। तो अगर जब हीट देंगे इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको थोड़ा और ज़्यादा हीट दे दिया तो इसमें और ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो इसका बहुत हीट दे दिया तो बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा हीट दिया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा हीट दिया और इसमें बहुत हीट दे दिया, अभी होगा क्या? अभी सोचो जब भी इसको हम हीट देंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, कंटेनर का नहीं, कंटेनर के नहीं, जो जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है वो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, अभी सोचो, जो मॉलिक्यूल होता है ना वो ऐसा बॉन्ड फॉर्म करके रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ओके। एक क्रिस्टल, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एक मॉलिक्यूल के, बहुत सारा मॉलिक्यूल के बीच में जो एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, क्रिस्टल बॉन्ड फॉर्म होता है। जब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में एक वाइब्रेशन पैदा होगा। जब भी एक वाइब्रेशन पैदा होगा, ठीक है, जब वाइब्रेशन ओरिजिनेट होगा तो इस वाइब्रेशन की वजह से ओके क्या होगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे क्या होगा, सोचो, इसका तो टेम्परेचर एक कारण तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। टेम्परेचर का बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। सिर्फ वॉल्यूम नहीं, अगर कोई लेंथ होता है, अगर कोई वन डायमेंशन बॉडी होता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई बॉडी है जो 1D है, ऐसा कोई लेंथ है, तो अगर कोई लेंथ होता है इसका क्या होता है, लेंथ बढ़ेगा। अगर कोई एरिया होता है तो उसका क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, ठीक है। और अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब ये जो जितना भी चेंजेस आएगा, मे बी इसका लेंथ में, मे बी किसी का एरिया में, मे बी किसी का वॉल्यूम में, तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है टेम्परेचर का बढ़ने पर। और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीट देने से, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज हीटेड विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट इट यूजुअली एक्सपांड, मतलब जब भी हम किसी को हीट करते हैं उसका स्टेट का कोई चेंज ना करते ही, मतलब स्टेट का हमने कोई चेंज नहीं किया, स्टेट का चेंज मतलब क्या होता है, स्टेट का चेंज मतलब होता है वाटर से आइस में या वाटर से स्टीम में, तो ये होता है स्टेट का चेंज, हमने कोई स्टेट का चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन स्टेट का चेंज ना करते भी क्या होगा, हीट देने से एक्सपांड करेगा, ठीक है, ओके, अच्छा। और दूसरा, अगर दूसरा में क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होता है, एज विद राइज इन टेम्परेचर, हमने जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, मतलब जैसे मैंने बोला कि ये बार बार वाइब्रेट होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है वो वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट होते होते सपोज पहले तो ऐसे वाइब्रेट होता था, ऐसे वाइब्रेट होता था, ठीक है, पहले ऐसे एक लेंथ था जो जैसे मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट होता था ऐसे अप डाउन, अभी ये वाइब्रेशन का ये जो लेंथ होता है वो लेंथ बढ़ा लिया, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस से वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये खुद का डिस्टेंस बढ़ा लिया, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, इसको कहते हैं कि एम्पलीट्यूड, एंड हेंस एनर्जी ऑफ एटॉम इंक्रीजेस। सो अगर ऐसे जल्दी से वाइब्रेट होगा, ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा डिस्टेंस फॉर्म करके वाइब्रेट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और इस एनर्जी का इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, इसका एवरेज डिस्टेंस भी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस एक एटम से दो, ऐसे दोनों एटम जब वाइब्रेट हो रहा था तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा ना,
ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है, तो जब वाइब्रेट होगा तो कब वाइब्रेट होने से एनर्जी मिलने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट होगा, मोर एनर्जी। अगर ज़्यादा हम एनर्जी देंगे तो उसका एनर्जी देने के बाद ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो क्या होगा इसमें, इसका एवरेज डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। यही कारण होता है एक्सपेंशन का, यही कारण होता है एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन होगा क्यों, अभी सोचो एक्सपेंशन होगा क्यों, कि ये मॉलिक्यूल हीट देंगे आप। अब जितना भी हीट देंगे, सोचो जल्दी से सोचो, जितना भी हीट देंगे, हीट देने से ये जो वाइब्रेशन हो रहा था पहले, ये ज्यादा डिस्टेंस लेके वाइब्रेट होगा। अब जब ज्यादा डिस्टेंस लेके वाइब्रेट हो रहा है, अब ज्यादा डिस्टेंस लेके जब वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। हर एक मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है, दूर दूर, पहले तो छोटा एक डिस्टेंस लेके वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, छोटे डिस्टेंस पे वाइब्रेट हो रहा था। अभी क्या होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ गया। जब ये डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, बाहर एक्सपेंड होना जाएगा। तो यही रीजन होता है एक्सपेंशन का। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया।